हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने यहाँ आज आपको कराऊंगी प्लांट किंगडम के बारे में। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा कि हमने एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें आज हम करने वाले हैं एल्गी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। और ये लेक्चर 1 है, इसके बाद आपको और लेक्चर देखने के लिए मिलेंगे। जब हम एल्गी कम्प्लीट कर लेंगे फिर हम इसमें करेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे सारे कवर कर लेंगे पूरा प्लांट किंगडम। और हम ये भी देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं। देखिए एल्गी क्या होता है, जो आपको पॉन्ड में ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, यही एल्गी होता है। अब ये बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, ओशन में हमें अलग देखने के लिए मिलता है, वॉल वॉक्स टाइप का होता है, कुछ कॉलोनी बना के रहते हैं, कुछ फ्लामेंटस होते हैं, वो सारे हम आगे कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो यूपी टीजीटी में क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं। दी सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, पायरोनोट्स का सेंटर क्या होता है फॉर्मेशन का, स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या कहते हैं, एल्गल सेल किससे बना होता है, एल्गी विच फॉर्म मोटाइल कॉलोनीज। अब ये सारे क्वेश्चन हम कब कर पाएंगे, जब हमें पूरा लेक्चर देख लेंगे। तो हम पूरा लेक्चर देखते हैं। जैसे प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम में हम सबसे पहले एल्गी को पढ़ेंगे। तो एल्गी क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ एल्गी होता है वो होता है फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी होता है। अब एल्गी को हम कैसे पहचान पाएंगे, तो जो एल्गी होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है किस में, रूट स्टेम एंड लीफ में। अब जो प्लांट्स रूट स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, ऐसी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। और इन प्लांट्स को थैलोफाइटा के अंडर रखा गया है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, उनको हमने थैलोफाइटा में रखा है। और उनकी बॉडी को कैसे कहते हैं, थैलस बॉडी होती है इनकी। अब ये सारे एल्गी प्लांट में ही तो होती है, क्योंकि प्लांट किंगडम में रखा गया है। तो जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होगी उनको हम किस में रखेंगे, थैलोफाइटा में। दी नेम जो थैलोफाइटा है वो हमें दिया था एंटिलकर लीनियस ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार एक क्वेश्चन उनके आ जाता है। अगर हम एल्गी है, एल्गी डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट एंड फूड स्टोरेज। जो एल्गी होती है उसको हम दो बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक पिगमेंट के बेसिस पे और दूसरा फूड स्टोरेज कैसा है। आपने देखा होगा बहुत सारी रेड एल्गी होती हैं, ग्रीन एल्गी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और दूसरा फूड स्टोरेज पे। अगर हम इसका सीक्वेंस देखें कि जैसे एल्गी के बाद कौन से प्लांट्स आए, तो एल्गी के बाद प्लांट्स आए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आए टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट सक्सेसफुल प्लांट थे सबसे ज़्यादा वो थे एंजियोस्पर्म प्लांट। तो लास्ट में हमें एंजियोस्पर्म प्लांट देखने के लिए मिले। इसी सिक्वेंस में पढ़ेंगे, पहले एल्गी पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जिससे पता चल जाए कि एल्गी किस कैसे होते हैं। तो एल्गी या क्लोरोफिल होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होगा, बियरिंग होती, क्लोरोफिल बियरिंग होते, सिंपल होते हैं। अभी क्वेश्चन आया था कि सिंपलेस्ट प्लांट कौन से होते हैं, तो एल्गी होते हैं थैलोइड बॉडी, यानी कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम इनको रूट स्टेम लीफ में। तो ऐसे प्लांट्स कैसे होंगे, थैलोइड होंगे। ऑटोट्रॉफिक यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते होंगे। एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये मैराइन भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, समुद्र में भी रहते होंगे, फ्रेश वाटर में भी रहते होंगे, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, मोस्ट स्टोन सॉइल एंड वुड। आपने देखा होगा कि जहाँ पे हल्की सी नमी होती है, किसी पत्थर पे हल्का हल्का पानी रह जाता है, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिखता होगा, तो वो एल्गी ही होता है। हमें सॉइल में ग्रीन ग्रीन दिखता है तो वो भी क्या होता है, हमारा एल्गी होता है। लकड़ी पे दिख जाता है, जहाँ मॉइस्ट लकड़ी डली हो और बारिश वगैरह हो जाए, तो वहाँ पे एल्गी लगना स्टार्ट हो जाता है। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर एसोसिएटेड विद फंजाई। कुछ एल्गी होती हैं जो क्या करती हैं, फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करती हैं, तो हम लाइकेन बोलते हैं। एंड एनिमल जैसे स्लॉथ बियर, इनका जो रिलेशन होता है ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये स्टोन है, अब स्टोन पे देख सकते हैं कितनी सारी एल्गी लगी हुई है, ठीक है, यानी कि ये मॉइस्ट स्टोन है, यहाँ पे हल्का पानी रहता है, तो एल्गी को क्या चाहिए, पानी चाहिए, और उसकी जगह पे
एल्गी किससे ग्रो होगी, जहाँ पानी होगा, तो मॉइस्ट स्टोन पे ये एल्गी रहती है। नेक्स्ट है ये स्लोथ बियर, ये क्या करता है, ये प्लांट पे रहता है, ये उल्टा लटका रहता है प्लांट पे जानता है। तो इसके जो फर होते हैं इनको मॉइस्ट रहना अच्छा लगता है, ये मॉइस्ट रहते हैं, इनको नमी चाहिए इनके फिस के फर को। और जो हमारी एल्गी है उसको रहने के लिए जगह चाहिए, तो रहने के लिए जगह उसको फर मिल जाते हैं और इसको मॉइस्ट रहने के लिए मिल जाता है। तो स्लोथ का और एल्गी का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आप ये मत कहना कि हमें जूलॉजी पढ़ाने लगी, हाँ ये बायोलॉजी का उसका बॉटनी का पार्ट है, बट यहाँ पे स्लोथ और आपको एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजेस फ्रॉम कॉलोनियल फ्रॉम लाइक वॉलवॉक्स एंड द फ्लामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स स्पायरो वगैरह। जो हमारी एल्गी होती है उसका साइज वेरी करता रहता है, ठीक है, कोई कॉलोनी शेप में होगा, कोई फ्लामेंटस होगा। जैसे कि हम देखते हैं ये वाली, देखो कैसे वॉलवॉक्स ये एल्गी है, ये कॉलोनी बना के रहती है। जो साइड आपको ये दिख रही है क्या है, पेरेंट को सेल्स होते हैं, अंदर जो है वो डॉटर सेल्स देखने के लिए आपको मिलती हैं। तो ये कॉलोनी फॉर्म करके रहते हैं। नेक्स्ट हम इधर देखते हैं यूलोथ्रिक्स, तो ये कैसा है, फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है, फिलामेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, इसमें आपको स्टार शेप्स के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओइडोगेनियम होता है, इसमें कैप सेल्स देखने के लिए आपको मिलती हैं। स्पायरो कारा है, ये जीनिया है, क्लेमाइडोमाइनस एंड कारा। ए फ्यू ऑफ दिस मेराइन सच एज कार्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। अब कुछ ऐसे होते हैं एल्गी जो बहुत ही ज़्यादा मैसिव टाइप के होते हैं। चलिए इमेज दिखा देते हैं हम आपको। देखिए ये जो फोटोग्राफ है ये एक ओशियन का फोटोग्राफ है, ठीक है, जहाँ पर देखिए ये कितनी ज़्यादा एल्गी है, ठीक है। तो ये कार्प बना लेती हैं और ये एल्गी उसमें रहते हैं। तो ये कभी कभी ऐसे हमारा शिप वगैरह जाता है तो फंसने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये उसमें क्या टरबाइन जो लगा होता है शिप में नीचे, उसमें ये फंस जाती हैं। तो वो सेंस कर लेता है कि कहाँ पर एल्गी आ रही है, तो वहीं पर शिप हमारा रुक जाता है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ एल्गी का कार्प बना हुआ है और ये बहुत लंबा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन एल्गी मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं कितने, 2। कोई एल्गी होगी तो उसमें सबसे कम क्रोमोसोम में 2 देखने के लिए मिलते हैं। इट इज़ सीन इन पॉलीफायरा लीनियरिस एल्गी। जो एल्गी है पॉलीफायरा लीनियरिस, उसका स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हैं, ये है पॉलीफायरा लीनियरिस जो एल्गी है, इसमें 2 क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे मिनिमम तक तो चल गई, बल्कि मैक्सिमम भी तो पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 592। जो 592 होता है नीट्रियम डिजिटेलिस। ये जो एल्गी है ये आपको देखने में नीट्रियम डिजिटेलिस एल्गी है, इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 592, ठीक है। आई स्पॉट इज द रिसेप्टर पार्ट इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एल्गी होती है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप से होती है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इसमें क्या होता है, आई स्पॉट होता है, ठीक है, फोटो रिसेप्टर होता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये वाला, कि मैक्सिमम नंबर हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, नेट्रियम डिजिटेलिस, और मिनिमम पॉलीफायरा लीनियरिस में। तो ये आपके क्वेश्चन बन जाएगा UPTCT में कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दी एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्ड की होती है। जो आउटर लेयर होगी वो पेक्टिन की बनी होगी, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, आई थिंक 2014 में आया है, कि जो आउटर सेल है वो पेक्टिन की बनी है एंड इनर सेल सेलुलोज की बनी हुई होती है। द आउटर पेक्टिन लेयर डिजॉल्व स्लोली इन वाटर एंड फॉर्म म्यूसिलेज। अब आपने देखा होगा जो एल्गी होती है वो एक चिपचिपी सी थोड़ी सी होती है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, जब से पेक्टिन की जो लेयर होती है वाटर के साथ, वाटर के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आती है, वैसे ही वो स्लोली डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। जो डिजॉल्व होती है वैसे ही म्यूसिलेज चिपचिपा सा पदार्थ बनने लगता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो पेक्टिन की लेयर है वो डिजॉल्व होने लगी, तो म्यूसिलेज बनने लगा वहाँ पर। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल क्या होगा, सेलुलोज, जो क्या होता है, इनर कंपोनेंट होता है किसका, सेल वॉल की सेकेंड लेयर का। डाई एटम्स सिलिफाइड सेल वॉल की बने होते हैं, जो कारा एल्गी है और जो CO3 डिपॉजिट होता है उनकी वॉल पे।
और जो ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेल वॉल होती है। जो एल्गी होते हैं वो पायरेनोइड्स आर द ऑर्गन फॉर फूड स्टोरेज। ये देखिए जो ये क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, इसमें जो पायरेनोइड है यहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है। तो ये तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे एल्गी के। अब इन करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप से थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट आर, सिंपल ग्रीन प्लांट कौन से होते हैं, अभी हमने देखा था एल्गी होते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपल तो एल्गी थे, इसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा आते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे इवॉल्व होते गए प्लांट्स, लेकिन सिंपल कौन सा हमारा, एल्गी है। पायरेनोइड आर द सेंटर फॉर सेंटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जो पायरेनोइड होता है वो किसका सेंटर होता है, क्या फॉर्मेशन करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्च। अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास में पायरेनोइड्स देखा था, वो किसका फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ एल्गी। जो एल्गी की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ए है फाइकोलॉजी, सेकंड माइकोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, बी जेनेटिक्स। अब आपने पीडीएफ देख लिया है, ठीक है, आगे पढ़ लिया है, हमने लेक्चर पढ़ा दिया है आपको, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि क्या है, फाइकोलॉजी होगा, माइकोलॉजी होगा, जीरोंटोलॉजी, जेनेटिक्स, क्यों मांगे पढ़ चुके हैं। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फाइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है एल्गल सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ, जो एल्गल की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। ठीक है, काइटिन, क्यूटिन, सेलुलोज, सुब्रिन। तो आप टाइम लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि क्या राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। ठीक है, तो दो ही लेयर की बनी होती है हमारी जो एल्गी की सेल वॉल होती है, एक होता है पेक्टिन, दूसरा सेलुलोज। तो काइटिन तो नहीं होगा इसका आंसर, क्यूटिन भी नहीं होगा, सुब्रिन भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सेल्युलोज। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पेक्टिन दिया होता तो पेक्टिन एंड सेल्युलोज बोथ हो जाता। दी एल्गी विच फॉर्म मोटाइल कॉलोनी, ऐसी कौन सी एल्गी है जो क्या करती है, मोटाइल कॉलोनी फॉर्म करती है, वॉलवॉक्स, नोस्टॉक, स्पायरोकायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। राइट आंसर बताइए आप और कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा वॉलवॉक्स। तो आपने वॉलवॉक्स में देखा है, वॉलवॉक्स ही होता है जो कॉलोनी बना के रहता है। ठीक है, आउटर में क्या होता है, पेरेंट सेल होती है, अंदर क्या होता है उसमें, यहाँ पे डॉटर सेल्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो कॉलोनी बना के जो रहता है वो वॉलवॉक्स होता है। तो आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, जैसे मैंने जो भी पढ़ा है उससे सारे क्वेश्चन करे। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो जब आएगा अभी उसमें हम देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।